प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत में बिजली की हाईटेंशन तारें आए दिन लोगों की मौत का कारण बनती जा रही हैं। वहीं अब इन हाईटेंशन तारों ने नलवा कॉलोनी में भी 19 साल के युवक की जान ले ली है। दरअसल युवक क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकला था कि खेलते हुए उसकी गेंद पेड़ की टहनी में फंस गई और जैसे ही युवक गेंद लेने पेड़ पर चढ़ा, हाईटेंशन तारों ने उसे अपनी ओर खींच लिया और युवक तारों से चिपक गया। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करंट लगा बता तो रहे होंगे, उधर लड़का ग्राउंड में खेल रहे थे गेंद, वहीं बहु खेल करो जाके। अच्छा गेंद दूसरे ने मारी, बहु गेंद लेने गो, बकाना शीशा पर टंग रही जाए। बाप थी 11,000 की लाइन, बाप लाइन थी बकाना बहुत चढ़ के उतारने गो। सो बाकाना वाना उतारी जा, सो एक दूसरे लड़का ने कह दिया कि समर के चढ़िए बाकाना वो है बिजली। सो वाना ऐसे मूड घुमाओ सोई बाके भाई तार टच हुई हो, पकड़ लो कान में, तब तक तब आकाना जब समझो सूत ना लो खून, तब तक छोड़ो ही ना उस मरो ही गिरो समझो, ऐसे प्राण नहीं करे उसके। काम करते तो खेत में, खेत में कत तो फिर ठाली होएगा तो बोल चलोगे खेलन, बोलो खेल करो जाएगा। सो शीशा पे बोल टंग गई लड़का वक्का ना जन पता ना कौन कई की जन ना मैं जाऊ ना मालो जा। और जब गौ एकदम बहुत जल्दी बोल उठाओ ना भाजत तो एकदम गौ बोल उठाओ ना, अब तेल तार देख ना पाए वो चढ़ियो बोल फूल का जो ना लटक गौ वाम पकड़ लो बिजली ने कतई जब कतई चूस लो तब ढील वो है। वहीं मामले में SHO ने बताया कि युवक क्रिकेट खेलने गया था और हाईटेंशन तार से चिपक गया। उन्होंने बताया कि मामले में धारा 174 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 12 तारीख को हमारे पास सूचना आई थी, एक लड़के को करंट लगा है और हॉस्पिटल में दाखिल है। मौका गए तो वहाँ हॉस्पिटल में लड़का एक्सपायर हो चुका था। ये 12 तारीख को विद्यानंद कॉलोनी है, वहाँ एक खाली प्लाट में खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते वक्त गेंद इनकी किसी पेड़ पर टंगी और पेड़ के ऊपर से बड़ी जो हाई वोल्टेज होती है लाइट वो गई हुई थी, तो वो करंट बारिश होने की वजह से करंट आ गया उस पेड़ में और इसको लड़के को करंट लग गया, करंट लगने से गिर गया और फिर एक्सपायर हो गया। क्या कार्रवाई की है सर इसमें? 174 कार्रवाई करवाई। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।